जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। नहीं दिख रहा, व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में चार चार लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। महाराज, अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा, धन संचिता में नहीं आ, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तिल्ली का लेपन। तिल्ली काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल और हमारे यहाँ चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से एक लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर, रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर, सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो, जल चढ़ा दीजिए, बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाएगी, दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, संपदा बढ़े। तीन रविवार आपको कर, सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, बार नक्षत्र समय घड़ी पल दिन, ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण शिव बनाता शंकर। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो, और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए, आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, साढ़े सती ढैया समाप्त। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, जिसको शनि चल रहे हो, जिसको शनि का प्रभाव चल रहा हो, शनि बकरी चल रहा हो, ढैया साढ़े साती चल रही हो, आप कुछ भी ना कर सकते हो, तो भी शनि महाराज को अगर आप तेल चढ़ाते हो थोड़ा सा भी, उसमें भी अगर आप रुद्राक्ष का स्पर्श कराकर, रुद्राक्ष को भिंगो कर अगर वो तेल चढ़ा देते हो, तो वो शिव शनि को प्राप्त होता है, मतलब काशी में बैठे हुए शनि महाराज को, भगवान विश्वनाथ की स्थापना जिस शनि महाराज ने करी थी काशी विश्व, उन शनि को प्राप्त हो जाता। जब प्राप्त होता है, शनि प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान कर चले जाता है, शनि की कुदृष्टि आपसे हट जाती है, रुद्राक्ष में वो आनंद है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर, जन्म के बोलिए पिपलेश्वर महादेव, भगवान शंकर का एक अवतार है पिपलाद अवतार, पिपलाद अवतार, जब
दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुभाष ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुभाष गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुभाष, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा, अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करेंगे? नहीं पिता, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुभाष ने दो पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था, उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महा, शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दियाधन सुभाष ने उसके बाद प्राणों को त्यागा, और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा, अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं भाई नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, मैं हमें इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं, किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है, भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया, भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया, नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती। किस्मत अच्छी है तो भगवान नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही, हम काय को अपने माथे पर ले। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बने। हार ना मती, जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर, एक लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी, नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया, पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।